खूब गुरुत्वपूर्ण खबर दियार चेस्ा करंगा चीनक एक प्रकार हुंकार दी हुंकार प्रदान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह तरफ क्या एक इंची माटिओ रंगा चीनक एरी निदे और रंगा चीन सन्दर्भ की हुंकार प्रदान केंद्रीय गृहमंत्री गराकिये ए मुहूर्त जानवार चेस्ा कर लखीमपुर चीनक हुंकार प्रदान करबार अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तरफ हुंकार प्रदान रंगा चीनक भारत एक इंची भूमि चीनक एरी निदे मोदी सरकार मंतव्य अमित शाह मोदी सरकार दिन भारत एक इंची भूमि चीने दखल करे हुंकार प्रदान बीजेपी सरकार शासनकाल भारतक चीने रंगा चकु देखा नारे मोदी सरकार दिन भारत भूमि दखल सहस नक चीने मंतव्य अमित शाह एकम्र मोदी सरकार शासन समय चीन सेनक उचित प्रत्युत दिया डोकलाम प्रांत चीन सेनक 45 दिन आबद्ध कर रखी भारतीय सेन लखीमपुर चीनक हुंकार प्रदान अमित शाह खूब गुरुत्वपूर्ण खबर मुहूर्त जानसो भारत एक इंची भूमि चीनक एरी निदे आज दिन बृह मंत्य कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह तरफ चुबुरिया राष्ट्र चीनक हुंकार प्रदान लखीमपुर चीनक हुंकार प्रदान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारत एक इंची भूमि चीनक एरी निदे मोदी सरकार यह मंत्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह कि कैसी यह मुहूर्त शुनार चेस्ा कर कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे कच्चो हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। और मित्रों ये कांग्रेस कल्चर से है जब चीन का हमला हुआ लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है नरेंद्र मोदी की सरकार है चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल पूरा आसाम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। देश कहते कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे कच्चो हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। और मित्रों ये कांग्रेस कल्चर से है जब चीन का हमला हुआ लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है नरेंद्र मोदी की सरकार है चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मंतव्य भारत एक मंत्य कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारत एक इंची भूमि चीनक एरी निदे चीनक हुंकार प्रदान एक प्रकार मोदी सरकार दिन भारत एक इंची माटिओ चीनक एरी निदे बीजेपी सरकार शासनकाल भारतक चीने रंगा चकु देखुआब नारे ये मंतव्य अमित शाह मोदी सरकार दिन भारत भूमि दखल कर सहस नक चीने एकम्र मोदी सरकार शासन समय चीन सेनक उचित प्रत्युत दिया मंतव्य कर लखीमपुर रंगा चीनक हुंकार दी मोदी सरकार और यह मंत्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह मंत्य जीत आम हाथ पुनर्बार शुनाई कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता
इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और मित्रों, ये कांग्रेस उड कल्चर से है, जब चीन का हमला हुआ लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता, इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा आसाम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने